देश का आम बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। सरकार ने नई नई नीतियों को लाने का ऐलान किया है, पर इस बजट से नाराज झारखंड कांग्रेस पार्टी ने इस बजट का खूब विरोध किया है और इस सरकार को सूट बूट वालों की सरकार बताया है। मौके पर बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ वहां ध्यान दे रही है जहां पर उनकी सत्ता है, और जहां पर उनका वर्चस्व नहीं है वहां की जनता को केंद्र की सरकार निशाने पर ले रही है। वहीं रांची कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय पांडे ने बजट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सरकार लगातार सरकारी संसाधनों और सरकारी जगहों को बेचने का काम कर रही है, और अगर ये सरकार 2-3 साल और सत्ता में रह गई तो निश्चित तौर पर सैन्य अड्डों को भी बेच देगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी का फोकस ऑफ एजेंडा क्या है। वो उन लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जहां पे जनता ने उन्हें नकार दिया, और लेकिन ये जब प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए तो इनको एज अ प्रधानमंत्री, एज अ हिंदुस्तान का सेवक इनको सोचना चाहिए था और सभी राज्य को सम्मान तरीके के रूप में काम करेगा। रांची कांग्रेस झारखंड कांग्रेस की इसकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मैं संजय पांडे रांची महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष केवल ये बताना चाहूँगा, ये सरकार सूट बूट की सरकार है, चमक दमक की सरकार है, और अपनी चमक दमक को बनाए रखने के लिए देश की धरोहरों को बेचने पर आमदा है, और ये भारत को जो भारत बनाता है वो किसानों की जमीन हो, भारत के आम नागरिकों के खून पसीने से बना रेल हो। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।